गाइस वेलकम बैक। सो अभी जो आप लोग ने प्रीव्यू में वीडियो देखा, इस तरीके की वीडियो इंस्टाग्राम के रील्स के सेक्शन में बहुत ज़्यादा वायरल जाती है। सो आप लोग भी चाहते हो कि इस तरीके की वीडियोस को एडिट करना, हुई आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला। उससे पहले अभी तक कि आप लोग ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो को हम लोग बनाएंगे VN एप्लीकेशन के अंदर। VN एप्लीकेशन आपको सिंपली प्ले स्टोर एप्पल स्टोर पर मिल जाएगा, तो आप लोग सिंपली इसे डाउनलोड कर लेना। जैसे आप इसे डाउनलोड कर लोगे, कर लेने के बाद आपको इस तरीके का सिंपल इंटरफेस शो होगा। अब सबसे पहले आपको एक सेटिंग कर लेना है, तो यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है राइट साइड में। जैसे आप यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लोगे, करने के बाद अभी आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। यहाँ पर डिफ़ॉल्ट फोटो ड्यूरेशन जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर लेना है। अभी आपको यहाँ पर ड्यूरेशन वाले ऑप्शन पर यहाँ पर देख सकते हो, अब आपको ड्यूरेशन रखना है। तो जो आपका जो ड्यूरेशन रहेगा वो रहेगा 1.50 सेकेंड। अगर आप लोग इस तरीके से नहीं कर पा रहे हो, यहाँ पर आप लोग क्लिक करके यहाँ पर लिख भी सकते हो। तो 1.50 सेकेंड लिख लेना है, बैक हो जाना है। आप लोग को सिंपली से बैक कर लेना है इस तरीके से। अभी आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, न्यू प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक वीडियो शेयर करूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको मिल जाएगा वीडियो के ही नीचे। तो सिंपली वहां से आप लोग वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। करने के बाद आपको इस तरीके से राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, ये आपका टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग को मैं बता दूँ, इस तरीके से जो आपका ये वीडियो है वो टाइमलाइन में ऐड हो जाएगा। अभी आपको यहाँ पर वाटरमार्क शो कर रहा है, इसे क्लिक करके डिलीट कर लेना है। ऊपर साइड में आपको ओरिजिनल ऑप्शन पर क्लिक करना है, 9:16 रेशियो वाला ऑप्शन मिलेगा आपको, उस पर क्लिक कर लेना है। अभी आपको करना क्या है, यहाँ पर म्यूज़िक ऐड करना है। तो सिंपली यहाँ पर टैप फॉर म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, म्यूज़िक वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, प्लस वाले आइकन पर क्लिक कर लेना है, एक्सट्रैक्ट फॉर वीडियो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक और वीडियो शेयर करूँगा, तो आपको एक और वीडियो मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग इसे डाउनलोड कर लेना। तब ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अभी आपको यहाँ पर देख सकते हो, जो आपका वीडियो था वो ऑडियो में कन्वर्ट हो गया, तो स्वयं सिंपली चॉइस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके राइट कर लेना है। आपका जो वीडियो जो ऑडियो है वो टाइमलाइन में ऐड हो गया। अभी आपको प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, वीडियो फोटो वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, फोटो वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। अभी आपको अपने किसी 5 फोटोज़ को ऐड कर लेना है, तो फटाक से आप लोग कोई भी फोटोज़ को, कितने भी फोटोज़ को ऐड कर सकते हो। बट अभी मैं जो आपको ड्यूरेशन बताऊँगा उसमें 5 फोटोज़ ही आप लोग ऐड कर सकते हो, उसी में अच्छा लगेगा आपका वीडियो। सिंपली मैं अपने फटाफट 5 फोटोज़ को ऐड कर लेता हूँ यहाँ से। सिंपली मैं करने के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, जो हम लोगों ने ड्यूरेशन सेट किए थे 1.50 सेकेंड का ड्यूरेशन जो हम लोगों ने सेट किए, वही ड्यूरेशन में आपको जो हर एक जो अभी आप लोगों ने फ़ोटो ऐड किए, हर एक ड्यूरेशन आपका वही ड्यूरेशन में है, हर एक फ़ोटो आपको वही ड्यूरेशन में है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हमारा जो वीडियो है वो हो गया। अभी आपको इसके अंदर इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए आपको सिंपली फर्स्ट फोटो पर क्लिक करना है, इस तरीके से इफेक्ट्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करोगे, यहाँ पर कई सारे आपको इफेक्ट मिल जाएंगे, तो आप लोग कोई भी इफेक्ट को यूज़ कर सकते हो। अब देख सकते हो यहाँ पर कई सारे इफेक्ट आपको मिल जाते हैं, जिनके के बाद आपको यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यही भी है, ये भी, ये अच्छा लग रहा है। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर अलग अलग इफेक्ट भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। अगर आप लोग चाहते हो कि एक ही इफेक्ट हर एक फ़ोटो में ऐड करना, अप्लाई टू ऑल वाले ऑप्शन पर आप लोग क्लिक कर सकते हो। तो जो अप्लाई टू ऑल करोगे आप लोग, तो यहाँ पर देख सकते हो अप्लाई टू ऑल हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, अगर आपको फ़ोटो को एडजस्ट करना है, तो आप इस तरीके से हर एक फ़ोटो पर क्लिक करके इस तरीके से आप लोग एडजस्ट भी अपने फ़ोटोज़ को कर सकते हो, बहुत ज़्यादा सिंपल मेथड फॉलो करके। तो यहाँ पर मेरा जो वीडियो है वो रेडी हो गया है। सो यहाँ पर आप लोग मेरे को प्ले करके बताता हूँ वीडियो किस तरीके से बनाए। सो हमारा जो वीडियो है रेडी हो गया। सो आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे हमारे ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल पर देखने को मिलते थे। सो जो भी मैंने मटेरियल्स को यूज़ किया है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग इस वीडियो को डाउनलोड कर सकते हो। सो अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।